ऐसे जो भूगोल नहीं पढ़ा रहेगा उसको कहेगा दूर है तो ठंडा और पास है तो गर्मी ना गड़बड़ाजी। तो बताइए पास रहे कोई फायदा है? तो यहाँ भी वही वाला फील कीजिए। हम लोग किस पे घूमते हैं? दीर्घ वृत्त पर। किस पे घूमेंगे? दीर्घ वृत्त पर। अब दीर्घ वृत्त पर घूमेंगे तो हमेशा एक जगह थोड़ी रहेंगे, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं ना, घूमते फिरते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े आप लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ हम पृथ्वी से सूर्य से बहुत दूर आ गए, यहाँ हम क्या आ गए? दूर आ गए। और वहां पे हम काफी करीब और यहाँ पे हम काफी करीब हैं और यहाँ पे दूर हैं। अमूमन ऐसे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर ठंडी पड़ती हो और यहाँ आने के बाद गर्मी पड़ती हो, ऐसा लगता है। क्योंकि पास है तो लगेगा कि ना भैया गर्मी पड़ेगा और दूर है तो लगेगा कि ठंडी पड़े, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है कि आप पास रह के भी दूर फील करते हैं। समझ आ गया कि ना गया? देखो ही खचरा सब एक के बीमारी से ग्रस्त है सर। और जीवन में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है कि आप दूर रह के भी पास फील करते हैं। तो यहां भी वही वाला फील कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? टूटा खोपड़ी कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देते हैं यहां पर। यहां पर अब आगे देखिए, ध्यान इधर समझिए, ध्यान से सब लोग। पृथ्वी जो है ना वो 22.5 डिग्री झुकी हुई, तो सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी ऐसे क्या है? झुकी हुई। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई, कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और यहाँ पे है ऐसे भारत, हम यहाँ आई लिख देते हैं तो आप समझिएगा इंडिया, ऐसे आई लिख देते हैं, आई फॉर इंडिया। अब देखिए जब पृथ्वी यहाँ होती है तो पृथ्वी के झुकाव के कारण हमारा देश उस साइड झुक जाता है जिस साइड सूरज है ये नहीं। इस वजह से ये पास होने के वजह बाद भी यहाँ ठंडी पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस डायरेक्शन में घूम गए हैं जिधर सूर्य नहीं है। और पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा है, हम हैं उस पट्टी, हम क्या हैं? इधर हैं, यहाँ पे। अब कितनों ऐसे ऐसे घुमाइएगा वो चीज़ इधर तो नहीं आएगी। जैसे हम जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे मान के जो ये इंडिया है, ये सूर्य, हम ऐसे झुक गए हैं, ऐसे कितनों घूर्णन करेंगे तो ये वाला चीज़ तो इधर रहेगा ना, नहीं रहेगा? ग्लोब लाओ तो जी, ये सब पुलिस वाला है सब ना, देर बढ़िया से सबूत देना पड़ता है ये सब। नहीं समझ आया? आज सूर्य ग्रहण लगा, हाँ बाबू ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है वो, इंडिया में नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है। हर इतना बड़का पृथ्वी है, कहाँ से कौन चीज दिखे? देखिए पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है सर, ये झुक गई है पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी तो घूर्णन भी करती है। अब यहाँ के टाइम पे अगर आप देखिएगा तो ऐसे हम पृथ्वी का घूर्णन करा रहे हैं, तो जो बिंदु इस साइड झुक चुका है उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत कम जाएगी। इधर गर्मी लगेगा तो सूरज तिरछा दिखेगा, सुबेरे सूरज 6 बजे निकलने वाला, निकलेगा 10 बजे। तो हम लोग इस समय पे ठंडी का दिन फील करते हैं, जबकि हमारी दूरी, हम किसके पास रहते हैं? लेकिन चूंकि हम लोग वो पट्टी झुक गए हैं इसलिए हम लोग को 10 बजे सूरज निकलता है। कभी कभी दिन भर सूरज नहीं निकलता है, तो पूछते हैं लोग सूरज निकला है आज? नहीं। तो लोग गूगल पे पूछते हैं घाम कहिया हुई? नहीं समझ आया? क्यों? क्योंकि हम लोग उस पट्टी झुक चुके हैं, पृथ्वी क्या हो चुकी है? झुक चुकी है। तो बताइए पास रहे कोई फायदा है? समझ आ गया? भले दूर रहिए लेकिन इधरे टुकुर टुकुर देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले दूर रहिए लेकिन देखिए टुकुर टुकुर, देखिए ये दूर है ना लेकिन देख किधर रहा है? सूर्य के ओर देख रहा है टुकुर टुकुर। तो दूर रहने पर भी इसे प्रॉपर धूप मिलेगा और गर्मी का दिन रहेगा। ऐसे जो भूगोल नहीं पढ़ा रहेगा उसको कहेगा दूर है तो ठंडा और पास है तो गर्मी ना गड़बड़ाजी। तो हाँ गड़बड़ाजिएगा, बताइए अभी ठंडा, ठंडी का दिन है क्योंकि हम लोग इस पट्टी हैं, क्योंकि भारत ना, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का है, दक्षिणी गोलार्ध का नहीं है। तो हम लोग की ओर अभी क्या है, अभी ठंडी जस्ट खत्म हुई है, हम लोग यहाँ से मार्च में ठंडी खत्म हुई है, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पे खड़े दिख रहा है सूर्य यहाँ पे, और धीरे 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 जाएंगे आप 90 डिग्री पे आ जाएंगे जून में, एकदम सीधे खोपड़िए पे, एकदम चांदिए पे चमकेगा सूर्य। चांदी नहीं समझता है? अरे लीलार नहीं, लीलार तो आई है, चांदी आई है यहाँ। हाँ हाँ खोपड़ी तो पूरा हो गया, सेंटर पार्ट ऑफ खोपड़ी इन्होंने छानी। समझ गए कि नहीं? ये हम लोग का उत्तरी गोलार्ध। आगे बढ़े कोई दिक्कत? तो पास और दूर से मतलब नहीं है, मतलब है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब किससे है, देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो बताइए यहां पे कौन दिन? ठंडी। कौन दिन? और यहां पे कौन दिन? तो पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी सूर्य के पास और दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। सीधी पड़ रही है या तिरछी? अगर सीधा पड़ेगा तो गर्मी, अगर तिरछा पड़ गया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? बताइए। तो जब यहाँ पे आता है ये ठंडी के दिन में आता है, 3 जनवरी को होता है, और ये 4 जुलाई को होता है। हम लोग 4 जुलाई आने वाला है हम लोग के पास। देखिए अप्रैल खत्म हो रहा है, मई जून अजून खत्म होते हैं, 4 जुलाई को हम लोग यहाँ होंगे। लोग एकदम चांदी पे चमकेगा कौन? सूर्य। और करकरा के धूप पड़ेगा, लगेगा कि चमड़वा में छेद के कुछ चुभ रहा है। जुलाई का गर्मी देखिएगा, लगेगा चुभ रहा है कुछ कुछ, एकदम चनचनाने लगा, एकदम लंबा लंबा खजुआएगा सब ऐसे देखिएगा ना। अब पाउडर वाउडर का खूब प्रचार आएगा, गर्मी कूल। अच्छा एक को लड़का ऐसा गमकेगा सब ना, लगेगा सब फर्मेंटेशन हो गया है, किड़वन उन सब का, हाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक से एक गमकेगा सब वहां पे। इसलिए नहा धोवा के प्रॉपर रहिएगा लोग, ठीक है। तो अप सौर कितने तारीख को? 4 जुलाई। उप सौर 3। उप सौर में सूर्य पास आ जाता, अप सौर में 2।